इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो एक दूसरी ग्लैंड है जिसे कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक से हम एक हम बात करें तो ये थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है। ये पीले कलर की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चार ग्रंथियों की छोटी छोटी संरचना है, इन्हें अपन पैराथायरॉयड कहते हैं, फिर पराअबटू इसे हिंदी में कहा जाता है, और ये थायरॉयड के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। यदि हम इन चारों का डिवाइडेशन करें तो ऊपर की जो दो हैं इनको बोला जाता है अपर पैराथायरॉयड और नीचे की को बोला जाता है लोअर पैराथायरॉयड ग्रंथि, ठीक है। पैराथायरॉयड की बात करें तो ये बटरफ्लाई शेप्ड पेयर ग्लैंड है, ठीक है, तितली के आकार की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये हार्मोन रिलीज करती हैं जिसे पैराथार्मोन कहते हैं, ठीक है। पैराथार्मोन या फिर पैराथायरोक्सिन हार्मोन इससे निकलता है, और ये किसको रेगुलेट करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को ये रेगुलेट करता है। अब देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे किसके कंपोनेंट हैं, बोन को बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो यदि कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा तो हमारी जो हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है जिसे पैराथायरोक्सिन या फिर पैराथायरोमोन कहते हैं, वो निकलना काफ़ी सही से निकलना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तभी हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाएगी।